यह गंडक का सोती जो है, यह सोती सुजावलपुर चौक से स्टार्ट होता है और सिनेमा हॉल होते हुए ढोली स्टेशन के पास पहुंचती है। नगर पंचायत से बनेगा कि विधानसभा के विधायक जी बनवाएंगे कि लोकसभा के सांसद महोदय बनवाएंगे? बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बना, लगभग 5 साल से लगातार जब से बना तब से रोड खराब है। यह रोड उन नेताओं के क्षेत्र में आता है जो जनप्रतिनिधि नहीं लेकिन बल्कि दिग्गज जनप्रतिनिधि के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के दुकानदार लाखों लाखों में कमाने लगेंगे तो नेताओं का पेट कैसे भरेगा? को छिटपुटिया नेता सब वोट जब आएगा तो घरे घरे घूमेगा कि हमारा बाप के वोट दीजिए, तो हमारे नाना के वोट दीजिए, तो हमारे परदादा के वोट दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के अनोखा विधानसभा सकरा विधानसभा में आए हुए हैं। अभी जो हम गंडक में खड़े हैं वह जो गंडक है, यह गंडक का सोती जो है, यह सोती सुजावलपुर चौक से स्टार्ट होता है और सिनेमा हॉल होते हुए ढोली स्टेशन के पास पहुंचती है। यह रोड का खासियत हम आपको बता देते हैं कि यह रोड के आसपास के नेता और इसमें अगर यह रोड उन नेताओं के क्षेत्र में आता है जो जनप्रतिनिधि नहीं लेकिन बल्कि दिग्गज जनप्रतिनिधि इनके नाम से जाने जाते हैं। पहली बात तो हम बता दें कि यह सकरा विधानसभा का रोड है, दूसरी बात बता दें कि यह नवनिर्मित नगर पंचायत सकरा का रोड है, और तीसरी बात बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के सकरा विधानसभा का रोड है। यानी कि अगर सांसद महोदय के पास पैसा होगा तो यह रोड को बनवा सकते हैं, और दूसरी बात अगर विधायक जी के पास पैसा होगा तो यह रोड को बनवा सकते हैं, और तीसरी बात कि अगर नवनिर्मित नगर पंचायत सकरा के पास पैसा होगा तो यह रोड को आसानी से बनवा सकते हैं। लेकिन नेताओं को क्या कहिएगा, यह जो शहर अगर ये रोड बन जाएगा, बड़ा बड़ा शहर के नाम से लोग जानने लगेंगे, यहाँ के दुकानदार लाखों लाखों में कमाने लगेंगे, तो नेताओं का पेट कैसे भरेगा? सबसे बड़ी बात यही है कि नेताओं का पेट कैसे भरेगा। अभी जो हम इस पानी में खड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहीं पे यह पानी लगा हुआ है। जब आप सुजावलपुर चौक से सिनेमा हॉल सुजावलपुर होते हुए ढोली स्टेशन के पास जाइएगा तो आप नया नया जो शॉर्ट टी शर्ट जूता पहने हुए रहिएगा ना, वो आपको काला हो जाएगा, और काला इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा गंडक आपको पार करके यहाँ से इस पार से उस पार जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो पूरा मार्केट जो देख रहे हैं, दुकानदार सबका जो देख रहे हैं, दिन रात कूदते हैं ये लोग। क्यों कूदते हैं कि इनके पास कस्टमर नहीं आता है। कस्टमर क्यों नहीं जाएगा तो लोग इसमें कैसे तैरते हुए आएंगे? आज हमको वीडियो बनाना पड़ा तो जूता खोल के इसमें हम घुसे हुए हैं, तो आम लोग कैसे पहुंच पाएंगे? चलिए राही से ही जानते हैं कि क्या दर्द महसूस करते हैं। कैसा लग रहा है गंडक में चलने से? बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बना, लगभग 5 साल से लगातार जब से बना तब से रोड खराब है। विधायक जी, सांसद महोदय, नगर पंचायत के अध्यक्ष साहब को क्या कहना चाहिए? नहीं, कौन बनवाएंगे? कोई लोग नहीं सुन रहे हैं। विधायक को भी कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन आज बनेगा कल बनेगा, कितना बरसात होगी या कितना लोग गिरता है इसमें। सबसे बेसी तो मोटरसाइकिल महिला लोग गिरती है इसमें। दुकानदारों का क्या हाल है यार? दुकानदार तो बैठ के पास टाइम पास करके चले जाते हैं, न ग्राहक आएगा न बिक्री होगा। चलिए, भाई जी का यह में मोटरसाइकिल बंद हो गया, कैसा लग रहा है भाई गंडक पार करने में? बहुत मजा आ रहा है। नेताओं का तनका रेलना दीजिए। ये आप देखिए, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि हम किसको बोलेंगे यह रोड बनवाने के लिए? अगर इको रोड बनवाएगा कौन? जनप्रतिनिधि को लोग वोट देता है, काबिल नेता दो चार को छिटपुटिया नेता सब वोट जब आएगा तो घरे घरे घूमेगा कि हमारा बाप के वोट दीजिए, तो हमारे नाना के वोट दीजिए, तो हमारे परदादा के वोट दीजिए। आज जब काम का बारी आएगा तो छिटपुटिया नेता के कहने जाइएगा कि तुम्हारा बाप कहाँ गया, तुम्हारा नाना कहाँ गया, तुम्हारा बाप कहाँ गया, तो कहेगा काम होगा ना, आप बेसब्री से इंतजार कीजिए। हमको जहाँ तक लगता है कि यहाँ के दुकानदार इंतजार करते करते थक चुके हैं। आप यहाँ के लगभग दुकानों में आप देख सकते हैं कि कोई में गहकी नहीं है। अब ये गंडक नदी पार करके कौन आएगा? हमको तो लगता है कि इसमें नैया वाला व्यवस्था अगर कर दिया जाता तो बड़ा अच्छा रहता। चलिए, कुछ भाई दुकानदार भी है, इनसे भी बात कर, घड़ी वाला थोड़ा इधर आइएगा। कितना दिन से रोड खराब है? ये लमसम 7-8 साल से खराब है। यहाँ के नेता को क्या कहना चाहिए? नेता लोग आते हैं और क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं। दुकानदार का यही हाल है क्या भाई? क्यों बाबा, कैसा है रोड? बिल्कुल खराब है। थोड़ा कैसे खराब लग रहा है? पानी लागल है। नेता से तो कहो अच्छा रोड है। अब नेता से के वोट लेवे के जो नहीं अच्छा वोट देलू रे केकरा? हां सही,
वो बताब, यानी कि छिटपुटिया नेता सब तो मिलबे नहीं कर रहा है हमको ना, तो अब ये कहकर पूछते कि कैसा महसूस हो रहा है। अब बताइए कि रोड कब बनेगा, अब कौन बनवाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। नगर पंचायत से बनेगा कि विधानसभा के विधायक जी बनवाएंगे कि लोकसभा के सांसद महोदय बनवाएंगे, अब कौन बनवाएंगे देखा जाएगा। एगो चुनाव तो खत्म हो गया, सब लोग अपना रिश्तेदार को वोट दे दिए, अब 11 चुनाव विधानसभा आने वाला है, देखते हैं कि कौन किसको वोट देता है। अब फिर छिटपुटिया नेता सब घरे घरे जाएंगे और कहेंगे हमारा बाबू जी के वोट दे दीजिए, जीतेंगे तो काम करेंगे। अब जीतेंगे तो क्या काम हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, वो आप देख पा रहे होंगे कि विकास के गंगा यहाँ पे किस प्रकार बह रहा है और नेताओं का पेट किस प्रकार भरा जा रहा है। विकलांग आदमी, चलिए एगो विकलांगों से पूछ लो भैया, रुके क्या लगा है, बड़ा मजा रहा होगा? मजा नहीं आ रहा, सरकार का बड़ा बुरा हाल है। सब ठेकेदार सब जैसे रुपया खा कैसा कैसा रोड पता नहीं। अच्छा लग रहा है ना चलने में? अच्छा साफ है नहीं, अच्छा है तो अच्छा कैसे लगेगा ना? नहीं क्या कहिएगा नेता के? नेता का क्या कहे, हम तो विकलांग क्या, वो तो घुसखोर नेता सब है, ये है पूरा दुनिया का। चलिए घुसखोर काम है क्या भैया, मजा है? घुसखोर नेताओं को क्या कहिएगा, कहते कहते थक जाइएगा, वो सुनेगा नहीं, और जब सुनेगा तो वो करेगा और दलाली करके पूरा रोडे को खा जाएगा। हमको तो जहां तक लगता है कि खाते खाते इसको तो पूरा खा ही गया है, सिर्फ और सिर्फ छिलका बचा हुआ है। अगर छिलका को खाने का मन है तो खा जाए, और नहीं तो ये रोड को बनवाने का प्रयास करे। तो नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि तीन तीन क्षेत्र यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तीनों क्षेत्र में बैठे हुए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि, थोड़ा आप अपने स्तर से जांच कीजिए और जांच करने के बाद यह रोड को बनवाने का प्रयास कीजिए, ताकि इन सभी दुकानदारों के साथ साथ आम जनता को भी फायदा हो जाए। आप देख रहे थे मानसिक न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा, जय हिंद।